ये सारे फैक्टर्स हम हर बार हर मेंसेस के लिए क्यों नहीं सोचते? फूड, कैंड फूड या प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, वो प्रोसेसिंग में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो बॉडी में अर्ली हार्मोनल चेंजेस करा रहे हैं। मैम, क्या वजह है कि आजकल गर्ल्स में जो पीरियड है वो जल्दी आने लगे हैं? कुछ जगह देखने में आता है 9 साल की बच्चियाँ, 8 साल की बच्चियाँ इस एज में भी पीरियड्स आ रहे हैं। अगर फ्लो में चेंज होता है, पेनफुल होता है, एबनॉर्मल होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, यानी 7-8 डेज तक ब्लीडिंग चलता रह रहा है, हैवी ब्लीडिंग 3-4 डेज तक रह रहा है, तो फिर डेफिनेटली हमें स्टेम सेल करने की ज़रूरत है। फर्स्ट 15 डेज में जब हॉर्मोन्स बढ़ते हुए और पीक पे जाते हैं उस टाइम मूड्स बहुत अच्छे रहेंगे। पीरियड्स में वॉशरूम यूज़ करना सब लोग अवॉइड करते हैं और इसलिए वाटर इनटेक कम हो जाता है। लेकिन पैड के साथ ऐसा क्यों नहीं है? दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप को रीयूज कर रहे हैं तो उसको सैनिटाइज कैसे करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी बार सेफली यूज कर सकते हैं। नॉट मोर देन 4 आवर्स यू शुड इंसर्ट टैम्पॉन्स। दोस्तों, वुमेन्स हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आमतौर पर या तो खुलकर बात नहीं होती या बहुत धीमी आवाज में बात होती है। यही वजह है कि जानकारी या मालूमात न होने से कई बार छोटी सी समस्या भी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा मुद्गल और ये है वेब दुनिया पॉडकास्ट, जहाँ हम अलग अलग विषय पर एक्सपर्ट से बात करते हैं। वेब दुनिया पॉडकास्ट हेल्थ सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं वुमेन्स हेल्थ के बारे में और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रेणु दुबे शर्मा। डॉक्टर रेणु दुबे शर्मा विशेष जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और ऑंको सर्जन हैं। सर, डॉक्टर रेणु दुबे, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेब दुनिया पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आज आप हमारे शो पर आए और आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने दर्शक हैं जो देखने वाले हैं उन्हें इससे काफी फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, होपफुली। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब भी गायनेकोलॉजिस्ट की बात आती है, उनके पास जाने की बात आती है, तो हमें लगता है जब कोई बीमारी होती है तभी हम उनके पास जाते हैं, तो क्या राइट एज होती है जब किसी लड़की को पहली बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? गरिमा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा है। जब हम बीमार होते हैं तभी क्यों जाना है? उसके पहले भी बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जिनको जानने के लिए हम एक ऑथेंटिक पर्सन के पास जाएं तो बेटर होगा। जी, गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें तो 9 to 10 ईयर की वो एज होती है जहाँ पर ही टीनेज की शुरुआत होती है और 11 to 12 ईयर की मिनिमम एज हम मानते हैं जहाँ पर की मेनार्की यानी पीरियड स्टार्ट होते हैं, मेंसेस स्टार्ट होते हैं। जी, सो मेंसेस स्टार्ट होने के पहले की एज 9 to 10 ईयर की एज इज द अप्रोप्रिएट एज। अगर मदर कॉन्फिडेंट नहीं है या उन्हें कुछ डाउट्स हैं जहाँ पर कि वो क्लियर करना चाहते हैं रिलेटेड हर टीनेज चेंजेस, जहाँ पर कि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में, फिजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, थिंकिंग, बिहेवियर, ईटिंग पैटर्न्स, डाइटरी हैबिट्स से लेकर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सो एक प्रॉपर साइंटिफिक उनको एक्सप्लेनेशन मिले तो शायद बच्चों को ज़्यादा हेल्प हो सकती है। जी मैम, आपने जिस एज की बात की और जिस पीरियड की बात की, अगर हम एक साधारण शब्दों में समझना चाहें कि पीरियड्स क्या हैं, या कोई छोटी बच्ची जब अपनी मदर से ये पूछती है तो दरअसल उसे सामान्य शब्दों में क्या समझाया जा सकता है? एज अ मदर, अगर मैं 9 to 10 ईयर की एज में अपनी बेटी को ये समझाना चाहूँ कि पीरियड्स क्या हैं और मैं पहली बार अगर उससे कन्वर्सेशन कर रही हूँ इस बारे में, तो मैं उसके साथ में उसके स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे हम अगर देखें 9 to 10 ईयर की एज में बच्चों को मोस्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बहुत इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन जब उसको दी जाएगी, वो मुझे बताएगी कि आज हमारी क्लास में ये पढ़ाया गया, दैट इज द परफेक्ट टाइम जहाँ पर कि मैं उसे ये बता पाऊंगी कि अच्छा बेटा, ये एनिमल्स में भी होता है, आपके टीचर ने ये बताया है, आपको पता है ये सभी में होता है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम में भी होता है, और ये चेंजेस कैसे होते हैं,
मेल्स अलग है, फीमेल्स अलग है। फीमेल्स में जैसे जैसे आप एज के साथ में चेंज हो गए, तो आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स जिन्हें हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करेंगे, आपकी हेल्थ बढ़ाने में हेल्प करेंगे, आपकी फिजिक और बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगे, और उसी के साथ कुछ इंटरनल चेंजेस भी होंगे, जिससे आप आज जिस तरह से सोच पा रहे हो, डिसीजन ले पा रहे हो, आप अपना काम कर पा रहे हो, उसी तरह से आप आगे भी और बड़े होकर इस तरह से डिसीजन ले पाओगे। तो उनका उस तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन शी आस्क्ड कि मम्मा, अगर एनिमल्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, तो क्या हम लोग भी बड़े होकर ऐसा करेंगे? या हम, मैं, बच्चों का बड़ा इजी क्वेश्चन होता है और रैंडमली पूछते हैं कि मैं कैसे आई दुनिया में, एंड देन वहां उनको ना ऐसे भगवान खुश हुए और आपको मेरी गोदी में दे दिया, ये आंसर देने की बजाय अगर आप उनको बहुत साइंटिफिकली तरीके से बताएं कि जिस तरह से नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है, आप उस तरह से एक लड़की मैच्योर होती है और यूट्रस और बॉडी के केमिकल चेंजेस, जिनको कि हम हार्मोन्स बोलते हैं, उन चेंजेस के द्वारा आपकी मदर यानी मेरे अंदर यूट्रस प्रिपेयर हुआ, और उस वूम में जाकर जब रिप्रोडक्शन हुआ तो आप आए। और वो कैसे प्रिपेयर हुआ? तो उसके लिए मेरे यूट्रस में चेंजेस हुए। वो चेंजेस क्या हुए? तो एवरी मंथ कुछ साइक्लिकल हार्मोनल चेंजेस हुए, और उन हार्मोन्स ने मेरी बॉडी को रिप्रोडक्शन के लिए, एक बेबी को कंसीव करने के लिए तैयार किया, प्रिपेयर किया। सिंपल। तो इन शॉर्ट, जो चीज बहुत नॉर्मल है उसे बहुत नॉर्मल तरीके से बताया जाए, बनिस्बत घुमाकर बात की जाए। सो मैम, पीरियड स्टार्ट होने की सबसे सही एज क्या है? और क्या ये भी सच है कि आजकल एक एज शिफ्ट देखने को मिला है? पीरियड स्टार्ट होने की नॉर्मल एज जो है वो 12 इयर्स से 16 इयर्स तक, 17 इयर्स तक एट अ स्ट्रेच कही जाती है। लेकिन यस, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिस कारण से मोस्टली हम 10 इयर्स 11 years में girls को 1 to 2 years ahead of their age they are getting started with their periods। मैम, क्या वजह है कि आजकल girls में जो period है वो जल्दी आने लगे? कुछ जगह देखने में आता है 9 साल की बच्चियाँ, 8 साल की बच्चियाँ इस age में भी periods आ रहे हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अभी देखने में आ रहा है, जहाँ पर कि 9, 8, 9 ईयर की एज में भी गर्ल्स के पीरियड स्टार्ट हो जा रहे हैं। खुसूसी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पीरियड्स स्टार्ट होने के। अगर हम बात करें मेंसेस क्या है, तो मेंसेस एक साइकिल है जिसमें कि यूट्रस प्रिपेयर होता है आगे फ्यूचर के लिए, रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए, टू गेट द लेडी प्रेग्नेंट एंड प्रिपेयर हर बॉडी टू नरिश द बेबी। ऑलराइट, है ना? अब हम अगर बात करें उसकी प्रिपरेशन की, तो जैसे कि हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में हमें बहुत अच्छी डाइट रखनी चाहिए, हमें पानी प्रॉपर पीना चाहिए, हमें एक्सरसाइज प्रॉपर करनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स हम हर बार हर मेंसेस के लिए क्यों नहीं सोचते? लेकिन अगर हम बात करें बच्चों की, तो स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है, डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ आ गई हैं, जो हम फास्ट फूड, कैंड फूड या प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, वो प्रोसेसिंग में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो बॉडी में अर्ली हार्मोनल चेंजेस करा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी वो अब बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो जो हम 6 to 8 hours अराउंड वॉक करते थे, रन करते थे, मतलब बच्चे हैं तो कहीं भी घूमते रहेंगे, कुछ भी करेंगे, जी हाँ। आज चाहे फीमेल्स हो या मेल्स हो, दोनों में वो जो प्ले आवर्स हैं या वॉकिंग आवर्स कह लीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज, वो लेस देन 2 hours रह गए हैं जी, एंड मोर ऑफ द स्क्रीन टाइम। और जब आप स्क्रीन पे कोई भी सीन्स देखते हैं, कोई प्रॉपर स्पेसिफिक तरह के कुछ सिचुएशंस देखते हैं, एंड दैट इज़ वेरी ओपन फॉर ऑल, वो 9-8 इयर्स का कुछ रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा रह नहीं जाता। जी हाँ। सो वो भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स, केमिकल्स स्टिमुलेट करता है। डेफिनेटली आप वो इमोशंस से गो थ्रू हो रहे हो। एग्जैक्टली। तो अर्ली स्टिमुलस मिल रहा है और वो स्टिमुलाई को
वर्कआउट करने के लिए जो एक्टिविटीज होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही है, तो वो सारा कुछ कंबाइन होके एंड अर्ली मेनार्की और अर्ली टीनेज हो रहा है। मैम नॉर्मली पीरियड्स का जो साइकिल है या कितने दिनों तक ये साइकिल होना चाहिए, इसे आप कैसे समझा सकते हैं? पीरियड्स का जो साइकिल है अगर हम बात करें तो 20 डेज से लेकर 40 डेज का अगर आपका है सो दैट इज ओके, उसके लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी लेडी का एवरी 20 डेज में रेगुलर साइकिल आ रहा है विथ 3 डेज का नॉर्मल ब्लीडिंग, नॉर्मल ब्लीडिंग से मेरा मतलब है 4 to 5 पैड्स इन अ डे अगर वो चेंज कर रही है ना, तो ये एक नॉर्मल है। अगर 40 डेज में उसका रेगुलर आ रहा है विथ नॉर्मल ब्लीडिंग तो दैट इज हर हार्मोनल मिलियो, वो उसकी बॉडी के पूरा साइकिल है जी। तो ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कट टू कट 30 डेज में ही साइकिल आएगा, पीरियड्स आएंगे तो ही वो नॉर्मल है। कल मेरा लास्ट मंथ मेरा 30 डेज में आ गया, इस बार मेरा 32 डेज में आ गया तो एबनॉर्मलिटी हो गई, ऐसा नहीं है। ओके अगर फ्लो में चेंज होता है, पेनफुल होता है, एबनॉर्मल होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, यानी 7-8 डेज तक ब्लीडिंग चलता रह रहा है, हैवी ब्लीडिंग 3-4 डेज तक रह रहा है, तो फिर डेफिनेटली हमें कंसल्ट करने की जरूरत है जी। आपने पेन की बात की, तो पीरियड्स में पेन होना एक नॉर्मल मुझे लगता है बात है, पर क्या ये डेंजरस भी हो सकता है या इसे नॉर्मली लेना चाहिए? पीरियड्स में नॉर्मल क्रैम्प्स होना बहुत कॉमन है और मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को ये फील होता ही है। क्रैम्प्स क्यों होते हैं उसका बहुत ही बेसिक रीज़न ये है कि यूट्रस के इंटरनल लेयर जो होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, एवरी मंथ वो ग्रो करती है एंड देन फिर पीरियड्स के टाइम पे वो वॉश आउट होती है, करेक्ट। मेम्ब्रेन को अगर हम बात करें हिंदी भाषा में झिल्ली बोलेंगे जी, है ना, वो स्लाइमी सी रहती है, पीसेस में रहती है। अब अगर कुछ भी सॉलिड पोर्शन या पार्ट जो है अगर उसे हमें कहीं किसी बॉडी से या किसी भी जगह से या छोटे से पाउच से बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस पाउच को स्क्वीज करेंगे राइट। जब हम उसको स्क्वीज करेंगे तो ही वो बाहर की तरफ जाएगी, करेक्ट। उसी तरह से यूट्रस भी एक मसल का पाउच है और एंडोमेट्रियम जो है वो इंटरनल लेयर है। अब जब तक यूट्रस स्क्वीज नहीं करेगा वो कैसे उस लेयर को पुश करेगा, राइट। तो इन प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग दैट लेयर आउट द बॉडी, उस स्क्वीजिंग का जो पेन है उसी को क्रैम्प्स कहा जाता है। तो एक तरह से तो ये पॉजिटिव पेन ही हुआ, एक तरह से ये पॉजिटिव पेन ही हुआ क्योंकि अगर ये रिट्रोग्रेड हुआ यानी कि आउट ऑफ द बॉडी जाने की बजाय इनसाइड द बॉडी गया, ओके तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो चीज बॉडी के बाहर जानी चाहिए, ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, मेम्ब्रेन है, एंडोमेट्रियम के पीसेस हैं, वो सब कहाँ जाएंगे, रिवर्स होके एब्डोमेन के अंदर। All right. And that the condition is called as endometriosis. Endometrium means the internal lining of layer and osis means it is out of the uterus inside the body. Okay. तब उस कंडीशन में अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें डॉक्टर को तब हमें एक्सेसिव पेन होगा क्योंकि तब सिर्फ यूट्रस ही नहीं हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो भी पेन करेंगे इन ऑर्डर टू एक्सपेल दैट एंडोमेट्रियम आउट ऑफ द बॉडी। बट एब्डोमेन इज अ क्लोज कैविटी और क्लोज जगह में से वो कहीं से बाहर तो अब जा नहीं सकता जी। तो एट दैट टाइम जबकि बहुत ज़्यादा पेन हो, कंटिन्यूस पेन हो, पेन पीरियड्स आने के पहले से स्टार्ट हो जाए, पूरा साइकिल में कंटिन्यू रहे और साइकिल खत्म होने के बाद भी रहे, वो एबनॉर्मल है। पेन आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट करे कि आप अपना डेली रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाओ, उसके साथ में आपको बाउल, स्टमक एक और लूज मोशन, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो, नौजिया वॉमिटिंग हो और इसी के साथ में यदि आपको सोने में दिक्कत हो, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी वॉक करने में दिक्कत हो, डेफिनेटली दिखाना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस की अगर हम बात कर रहे हैं और पेन से रिलेटेड अगर बात कर रहे हैं तो सिवियर डिस्पेरोनिया मतलब पेनफुल कोइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके अच्छा मैम, नॉर्मल पेन में पेन किलर लेना सेफ है, लिया जा सकता है?
नहीं, रेगुलरली पेन किलर लेना बिल्कुल सेफ नहीं है. पेन किलर्स और या कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं, मोस्टली वो हमारे लिवर और किडनी के जो रीनल सिस्टम है इससे मेटाबोलाइज होके बॉडी से बाहर जाती है. रूटीनली अगर हम पेन्स पीरियड्स की बात करें तो 3-4 डेज में अगर आप कंटिन्यूस आपको पेन किलर लेने जितने पेन क्रेम्स आ रहे हैं या पेन्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए. थोड़ा क्रैम्प या नॉर्मली कुछ लोगों को नॉर्मल से ज़्यादा जो पेन सेंसिटिव होते हैं और वो अगर पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल लोअर एब्डोमेन पे बेली बटन के नीचे एंड लोअर बैक पे बाम लगाकर सूथिंग जो भी बॉडी को सूट करता हो और उसके साथ में हॉट वाटर बैग हॉट पैक्स से रिलीफ मिल जाता है. बहुत रिलीफ मिलता है एंड वो यूट्रस को स्क्वीज करने में भी हेल्प करता है. ओके तो आप हमेशा देखेंगे कि जब भी क्रैम्प होगा आप अगर कुछ अप्लाई कर रहे हो हॉट पैक वगैरह तो उसके बाद मोस्टली लोगों को बहुत सारे क्लॉट्स जैसे पास होंगे एंड देन पेन रिलीफ हो जाएगा. okay. तो वो लंबा 24 आवर का पेन नहीं झेलना पड़ेगा, 10 मिनट के क्रैम्प में बात हो जाएगी. पीरियड्स के दौरान गर्ल्स को जो मूड स्विंग्स होते हैं उसकी क्या वजह है? PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. सी, मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है, सब में होते हैं और जैसे कि मैंने पहले भी एक बार कहा है कि गर्ल्स में जो हार्मोन्स का साइकिल होता है ना वो पूरा मंथ चलता है, दैट इज अ मंथली साइकिल, इसीलिए उसको MC मंथली साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. सो इसको अगर हम देखें ना तो वो स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स जी, जहाँ पर कि हमारे हार्मोन्स जो रहते हैं वो सबसे डाउनफॉल में रहते हैं, सबसे लोएस्ट रहते हैं, वहाँ पर बॉडी ब्लड शेड करती है और साथ में एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन होके बाहर आती है जी. इसके बाद जैसे जैसे एंडोमेट्रियल ग्रोथ होती है, ओव्यूलेशन में ओवा की भी ग्रोथ होती है और साथ साथ हॉर्मोन्स का लेवल भी बढ़ता है. तो फर्स्ट 15 डेज में अगर हम बात करें तो फर्स्ट 15 डेज में जब हॉर्मोन्स बढ़ते हुए और पीक पे जाते हैं उस टाइम मूड्स बहुत अच्छे रहेंगे, सारी चीज़ें ओके और नॉर्मल रहेंगी. जैसे ही पीक के बाद हार्मोन डाउनफॉल पे आते हैं तो फिर वापस मूड स्विंग होना, इंसोमिया होना, स्लीप और एपेटाइट में चेंज होना, इरिटेबिलिटी होना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन और नॉर्मल है. लेकिन अगर कुछ लोगों में ये चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि 2-3 kgs तक वाटर रिटेंशन होके और वेट गेन हो रहा है, अगर कंटिन्यूसली वो लास्ट यानी पीरियड आने के कुछ दिन पहले से उनको नींद आना बंद हो जाती है तो 2-3 डेज से ज़्यादा अगर आप सो नहीं पा रहे हो और इसके अलावा आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, लॉस ऑफ मेमोरी, आप कई बार आप एक रूम से दूसरे रूम में गए और ध्यान नहीं है कि हम क्यों गए थे जी. तो ये बहुत अर्ली साइंस ऑफ हार्मोनल ग्लिच और स्ट्रेस के हैं, टेंशन के हैं. वहाँ पर फिर आपको अपना डी-स्ट्रेस करने की और कुछ मेडिकेशंस के हेल्प से वो कंडीशन ठीक हो सकती है. अच्छा मैम, ऐसा भी सुना जाता है कि पीरियड्स के दौरान गर्ल्स को कुछ तरह का स्पेसिफिक फूड अवॉइड करना चाहिए, जैसे अचार नहीं खाना चाहिए, तो ये मिथ है या फैक्ट है? सब खाना चाहिए. ऐसा कोई फूड नहीं है, बस ये रहता है कि क्योंकि इस टाइम पे ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट हो रहा है, तो हाइड्रेट रखें अच्छे से अपने आप को, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. पीरियड्स में वॉशरूम यूज़ करना सब लोग अवॉइड करते हैं और इसलिए वाटर इनटेक कम हो जाता है. अब जब वाटर इनटेक आप कम रखेंगे तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी, डिहाइड्रेट होंगे तो वीकनेस अपने आप आएगी, साथ आएगी. सो इसके अलावा एनर्जी रिच फूड जो है वो भी हमें लेना चाहिए. थर्ड थिंग जो है, अचार और बाकी सारी चीज़ों से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि उस टाइम पे स्टमक जो रहता है वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है. अगर आपको डायरिया या वॉमिटिंग या गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी का इशू हुआ
तो फिर उस कंडीशन में एक तरह से आप ऑलरेडी कहीं किसी लूप में परेशान है और ये एक और प्रॉब्लम ना हो जाए, जी इसलिए बोला जाता है। ओके सो अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप खा सकते हैं और खुद अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि क्या आप खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। बिल्कुल, खटाई वाला जो एक हाँ बहुत जी बड़ा वो है मिसकंसेप्शन कि पीरियड्स के टाइम पे ना खट्टा नहीं खाया जाता। खटाई में विटामिन सी होता है एंड वो टिश्यू रिपेयर में, हीलिंग में बहुत बेस्ट अच्छे से होता है हेल्प करता जी। है, हाँ तो वो डेफिनेटली खाना खाना चाहिए। चाहिए। एक और मिसकंसेप्शन है, अब आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो आप हमें ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं कि पीरियड्स के दौरान बाल नहीं धोने चाहिए, हेड वॉश नहीं करना चाहिए, नहीं थर्ड बाबा, फोर्थ रोज दो। वरना डैंड्रफ। राइट जी। अच्छा मैम, पैड्स अभी मार्केट में कई तरह के पैड्स अवेलेबल हैं, पर सबसे राइट चॉइस क्या हो सकती है? इट डिपेंड्स डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू पर्सन टू पर्सन। जो पैड्स हैं अभी बहुत अच्छा, उनमें एक मार्किंग आ रहा है, वो साफ साफ लिखते हैं कि फॉर लाइट फ्लो, फॉर मीडियम फ्लो, एवरेज या रेगुलर फ्लो या हैवी फ्लो। तो इट डिपेंड्स, अगर लेडी को पैड, टाइप्स ऑफ पैड्स आपकी टाइप ऑफ ब्लीडिंग पे डिपेंड डिपेंड करते करेंगे, हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैड चेंज कब करना। जिनको हैवी फ्लो हो रहा है वो ऑब्वियसली जितनी बार पैड सोक होगा उसके बाद वो लोग चेंज कर लेंगे, बिल्कुल लेकिन जिनको एवरेज या नॉर्मल फ्लो होता है एंड स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 डेज तक तो सब लोग रिलीजियसली एवरी 4 आवर्स में पैड चेंज करते रहेंगे, जी लेकिन लास्ट के 2-3 डेज जब बहुत ही कम ब्लीडिंग होता है उस टाइम पर पैड चेंज करना मतलब वेस्ट ऑफ मनी लगता है ना। तो वो ये होता है कि भाई अभी तो सोक ही नहीं हुआ, एक ड्रॉप आया है और मैं क्यों इसको चेंज वेस्ट करूं, करूं। वेस्ट क्यों करने का है, नेक्स्ट मंथ में काम आ जाएगा वो, तो बचा स्टराइल हुआ। पैक्ड होते हाँ हैं, जी राइट। सो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप नॉर्मली कहीं पे भी ब्लड पड़ा हुआ ओपन स्पेस में देखें तो आप कितनी देर तक उस ब्लड को वैसे ही पड़ा रहने देंगे, आपके घर के सामने, आपकी बॉडी पे कहीं बाहर ही सरफेस एरिया पे कहीं ब्लड लगा हुआ है तो आप कितनी देर तक उसको सहन कर पाएंगे कि ये पड़ा है मेरे, तुरंत क्लीन जाके हैंड वॉश करके करेंगे। आएंगे, बिल्कुल है ना। लेकिन पैड के साथ ऐसा क्यों नहीं है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जो आपके लिए वेस्ट था, आपकी बॉडी से तो निकल गया लेकिन बैक्टीरिया और बाहर एनवायरनमेंट में जो फंगाई और बहुत सारे पैथोजेंस हैं उनके लिए तो वो फूड है एंड यू राइट हैव अ प्लेटर फॉर देम, और फिर पैड्स चेंज नहीं करने से वो जा सारे बैक्टीरिया और फंगस जो है वो वहां जाके हार्बर करते हैं एंड अल्टीमेटली वो आपके पेरिनियल टिश्यू को इरोड करते हैं यानी रब ऑफ करते हैं और वहां पे जाके वो सीट हो जाते हैं। ओके सो मोस्टली लोगों को पीरियड्स के बाद में इचिंग होना, इन्फेक्शन इन्फेक्शन होना राइट बहुत कॉमन है, पीरियड्स के टाइम पे फाउल स्मेल आना, ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि हम लोग रूटीनली रेगुलरली चेंज नहीं कर रहे चेंज हैं। नहीं करते हैं। मैम आजकल हम देखते हैं कई सारे और ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे टैम्पून्स हुए या मेंस्ट्रुअल कप्स हुए, क्या वो सेफ हैं यूज करने के लिए? मेंस्ट्रुअल कप्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन और वो वजाइना में जाकर स्नगली फिट होते हैं, उसके बाद में वो ब्लड कलेक्ट करते हैं, आप उनको रिमूव करते हो, वॉश करते हो एंड देन रीयूज करते हो, दे जी आर रीयूजेबल। हाँ जी लेकिन जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप को रीयूज कर रहे हैं तो उसको सैनिटाइज कैसे करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी बार सेफली यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हम डर्टी वाटर, बहुत साफ पानी नहीं है या हम सोप से प्रॉपरली वॉश नहीं कर पा रहे हैं, उसमें ओल्ड क्लॉट्स लगे रह जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं या हम 1 मंथ के बाद में जब उसको रीयूज कर रहे हैं तो हम उसको प्रॉपरली पैक करके नहीं रख रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में कहीं भी अगर वो रखा हुआ है और फिर उसको रीयूज कर लिया तो वो और ज़्यादा हार्मफुल है। जी
रही बात टेम्पून्स की, तो सेम गोज़ विद टेम्पून्स ऑल्सो। टेम्पून्स डेफिनेटली रीयूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उनको प्रॉपर डिस्पोजल जी, बहुत लंबे समय तक उनको वजाइना में इंसर्ट करके रखना इज ऑल्सो नॉट गुड। नॉट मोर देन 4 आवर्स यू शुड इंसर्ट टेम्पून्स। कई फीमेल्स कई बार टेम्पून्स इंसर्ट करने के बाद भूल जाती हैं। बहुत डिफिकल्ट केसेस होते हैं, एंड उसमें जैसे मैंने बताया कि पूरे एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरियाज हैं वो जाकर उस ब्लड क्लॉट पे जमा हो जाते हैं। आई हैव सीन नॉट मैनी केसेस, बट आई हैव सीन पेशेंट गेटिंग एडमिटेड विद टेम्पोन्स इनसाइड द वजाइना, उसके कारण उनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया एंड दे नीडेड इंटेंसिव केयर, आईसीयू में एडमिट करके और उनको 10-15 डेज तक। और वो जो इन्फेक्शन था वो न सिर्फ यूट्रस में बल्कि पूरी बॉडी में, ब्लड में, हार्ट, लंग, लिवर, किडनीज तक को उसने अफेक्ट किया हुआ है। ओके, तो यूज दोज थिंग्स, यूज दैट दोज प्रिविलेजेस, बट विद योर ओन सैनिटी एंड स्टरिलिटी। मैम कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो एक नॉर्मल आपका फ्लो है पीरियड्स में वो चेंज होता है, कई बार बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या हमें एक एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल, अगर 2 साइकिल से ज़्यादा इस तरह के कुछ फ्लो में एबनॉर्मलिटी आती है तो डेफिनेटली एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए। पीरियड्स में क्लॉट्स आना ये नॉर्मल है या इसके लिए भी चिंता का कारण हो सकता है? पीरियड्स में फर्स्ट 2 डेज में क्लॉट्स पास होना इज नॉर्मल। नॉर्मल इन द सेंस कि अगर वो क्लॉट्स जो फर्स्ट क्रैम्प्स में, जैसे मैंने बताया कि एंडोमेट्रियम जब वॉश आउट होती है तो रेशे के फॉर्म में दिखती है वो जी, है ना। अगर क्लॉट्स बड़े हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब टूट रहे हैं जस्ट लाइक फिंगर्स या उससे भी बड़े हैं, और उसके साथ में हैवी ब्लीडिंग हो रहा है और उसके साथ में पेन बहुत हो रहा है, अगर ये हो रहा है कंटिन्यूसली 3-4 डेज तक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें डेफिनेटली जाके कंसल्ट करना चाहिए। एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि लड़कों को भी या मेल्स को भी जानकारी होना चाहिए कि पीरियड्स क्या होते हैं। इनफैक्ट मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे जिसमें लड़कों को यहाँ पेट पर कुछ वायर्स लगाकर और उनको क्रैम्स का एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है तो आप क्या बताना चाहेंगी लड़कों को, एटलीस्ट क्या पता होना चाहिए? लड़कों को मूड स्विंग्स के बारे में पता होना चाहिए, तो पीएमएस वो जो एक स्ट्रेस फैक्टर होता है वो रिलीज हो जाए। बॉयज को हाइजीन के बारे में पता होना चाहिए, एंड यस डेफिनेटली एक फीमेल मेंसेस में क्या चाहती है, रेस्ट चाहती है, प्रॉपर फूड चाहती है और हाइजीन चाहती है जी। अगर ये 3 फैक्टर्स और वो अकेली करे तो वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन अगर उनका स्पाउस या उनके फैमिली पर्सन इस बात को समझते हुए उसकी थोड़ी सी केयर करें तो शायद वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम होगा और वो इजीली वो डेज को पास कर जाएगी जी। डॉक्टर रेणु दुबे शर्मा, इस बहुत ज़रूरी टॉपिक पर वेब दुनिया पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।